हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद शिवी 888। गाइस, रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से बोलना चाहूंगी, अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। गाइस, ये जनरल रीडिंग है तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, तो आप इस रीडिंग को पॉजिटिव वे में लीजिएगा, जितना आपसे रेजोनेट हो उसे रखिए, बाकी को इग्नोर कीजिए। और गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तब आपसे ये रेजोनेट करेगी, और ये रीडिंग सभी जोडिक साइन के लिए, तो आपका जो भी जोडिक साइन हो ये रीडिंग भी आपसे मैच जरूर करेगी। गाइस, ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग, देखने की कोशिश करते हैं क्या निकल कर आता है, आपके पर्सन की एनर्जीज देखते हैं। गाइस, अगर आप लोग चाहते हैं किसी डिफरेंट टॉपिक पर कैंडल वैक्स रीडिंग, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके जरूर बताएं। ओके, तो देखने की कोशिश करते हैं अभी क्या सोच रहे हैं। ओके डियर, सो पहली एनर्जी जो आपके पर्सन की निकल कर आई है वो ये है, आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपको ये मैसेज देना चाहते हैं यहाँ पर, ठीक है, मेरी रीडिंग के थ्रू, कि आप उन्हें अधूरा करके चले गए, ठीक है ना। यहाँ पर आपके पर्सन आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि उन्हें आपके बिना अधूरा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक हार्ट जो है वो दो टुकड़ों में टूटा और बहुत दूर चला गया, मतलब अलग हो गया एकदम से। मतलब ये है गाइस कि आपके पर्सन ऐसा मैसेज दे रहे हैं इस रीडिंग में पहला, कि उनको ऐसा फील हो रहा है कि उनके दिल का एक टुकड़ा उनसे दूर है, ठीक है। इस पर्सन को बेसिकली बेचैनी हो रही थी आज के दिन में, ठीक है ना। ये पर्सन आपको अपने आप से अलग महसूस कर रहे थे, इनको ऐसा लग रहा था कि आप इनसे अलग हैं, ठीक है ना। और ये जो पेन है ना कहीं अलग होने का, ये पर्सन ये पेन बहुत ज्यादा बर्दाश्त इस वक्त में कर रहे हैं, और इन्हें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, ठीक है। जैसे इस पर्सन के सीने पर आकर सारी चीजें लग रही हैं, मतलब मैं ये इस तरीके से बोल सकती हूँ कि जो भी इस वक्त में हो रहा है, जो भी आप दोनों के बीच में चल रहा है, जैसा भी आप बिहेवियर दे रहे हो, जैसा भी ये पर्सन बिहेव कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसी एनर्जीज है कि जो भी बातें हैं इस वक्त में वो आपके पर्सन के सीधे सीने पर जाकर लग रही है। मतलब आपके पर्सन अंदर से छल्ली हो रहा है बेसिकली, वो बिल्कुल थ्री ऑफ सॉर्ड्स वाली एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। जैसे वो दिल किसी ने पूरी तरीके से चीर दिया हो, ऐसी एनर्जी आपके पर्सन की फील हो रही है। तो इस वक्त में कहीं ना कहीं चीजें संभाले नहीं संभल रही आपके पर्सन से, बहुत कोशिश कर रहे हैं चीजों को हाथ में पकड़ने की, ठीक है, लेकिन फिर भी चीजें छूट रही हैं इस पर्सन से। सो ये पर्सन आज के दिन में कहीं ना कहीं ऐसे फील कर रहे हैं कि मेरे से चीजें हैंडल नहीं हो पा रही हैं अब, ठीक है, और मैं मतलब हार गया हूं या हार गई हूं वाली एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। ये एनर्जी आपके पर्सन की है। एक्चुअली मैं आपको इस चीज को थोड़ा सा डिस्क्राइब करना चाहूंगी, ये पर्सन कहीं ना कहीं इस तरीके से सोच रहे हैं, देखिए जो भी आपकी मटेरियलिस्टिक चीजें होती हैं उनको पाने के लिए आपको सिर्फ कर्म करना पड़ता है, और उनको पाने के लिए आप रास्ता बना सकते हैं। सिर्फ एक दिल का मामला है जहां पर इंसान हार जाता है। इस चीज से आप लोग अगर एग्री करते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि यही आपके पर्सन की एक्चुअल एनर्जी है, ठीक है। जब मामला दिल का होता है या फिर कनेक्शन का होता है, प्यार का होता है, तो वहां पर इंसान हार जाता है, क्योंकि वहां पर दो लोगों की सहमति चाहिए, उसके अलावा भी बहुत सारे लोगों की सहमति चाहिए होती है, ठीक है ना। बाकी और सारी चीजों में तो ये है कि आप अपने हिसाब से डिसीजन लेकर, अपने हिसाब से काम करके बाकी सारी चीजों को पा सकते हैं, लेकिन जब बात यहाँ पर दिल की आती है तो वो एक ऐसा पेन है जो कोई और भर भी नहीं पाएगा, ठीक है, किसी और चीज से वो भरा भी नहीं जाएगा, और अगर वहां से वो चीज ना मिले तो इंसान जैसे मजबूर हो जाता है। सो वो मजबूरी वाली एनर्जी ये है आपके पर्सन की आज के दिन में।
देखिए इस वक्त मैं आपके पर्सन को इस तरीके से फील हो रहा है गाइस, जैसे कोई इंसान है जिसको कार चलानी नहीं आती लेकिन उसको ड्राइविंग सीट पर बिठा दिया गया है, ठीक है। यही मैसेज आ रहा है गाइस, क्लियरली ऐसा ही मैसेज आ रहा है आपके पर्सन की तरफ से। मतलब आपके पर्सन इस चीज को बिल्कुल हैंडल नहीं कर पा रहे, बिल्कुल उस इंसान की तरह है जिसको आपने कह दिया है कि अभी तुम एक ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए हो और तुम्हें कार चलानी है लेकिन तुमको कार चलानी नहीं आती, ठीक है ना। तो आप कैसे अब हैंडल करने वाले हैं, आप कैसे कार को चलाएंगे? तो वही इस पर्सन को लग रहा है कि अब मैं कैसे चलाऊंगा या चलाऊंगी, क्योंकि इससे पहले तो मैंने कभी ये चीज एक्सपीरियंस की ही नहीं। लेकिन अब एक्सपीरियंस करना इस पर्सन को बहुत ज्यादा स्ट्रांग मतलब मैसेज ये मिल रहा है कि बहुत कठिन लग रहा है। और अगर आपने सुबह की रीडिंग नहीं देखी है गाइस, तो मैंने वो रीडिंग डाली थी, उसमें आप में से काफी सारे लोगों के पर्सन को ये चीज रियलाइज हो गई है कि आपके साथ उनका जो कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। और उस कनेक्शन, अगर आपने वो रीडिंग नहीं देखी है तो मैं आपसे बोलूंगी कि वो रीडिंग देखिए भी और उसको मैनिफेस्ट जरूर कीजिए, ठीक है। उस रीडिंग में ये चीज निकल कर आई थी, सुबह वाली रीडिंग में, कि आपके जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं आप वेट नहीं कर पा रहे हैं, इंतजार नहीं कर पा रहे, क्योंकि जब से उन्हें ये पता चला है कि उन्होंने क्या खोया है, उनसे इंतजार नहीं हो रहा है। और कल की भी रीडिंग में मुझे वेटिंग की एनर्जी दिखाई दी थी कैंडल वैक्स में। तो यहां पर मैं एक चीज क्लियरली बोलना चाहती हूँ कि जब से इस पर्सन को ना चीजें रियलाइज हुई हैं, ठीक है, इनका थर्ड आई ओपन हुआ है, तब से इस पर्सन के अंदर बहुत ज्यादा चाहत बढ़ गई है आपके लिए, ठीक है। ये मुझे यहां पर नजर आ रहा है। पास तक तो मुझे लगता है कि आपके पर्सन की एनर्जीज ऐसी रहती थी कि ये जिस भी चीज पर हाथ रखते थे उस चीज को पा लिया करते थे, ठीक है ना। और आपके केस में भी मुझे लगता है कई बार इस पर्सन ने ऐसा ही किया है, ठीक है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा इस पर्सन को चाह रहे थे और ये पर्सन भी आपको चाहते थे। तो कई बार अगर आपने इस पर्सन का मैनिपुलेशन भी बर्दाश्त किया है, ठीक है, इन्होंने आपको मैनिपुलेट किया और आप मान गए, तो उस चीज को भी लेकर बड़ा प्राउड ये पर्सन पास तक फील करते थे। लेकिन मुझे लगता है कि आप में से काफी सारे लोग अब बहुत ज्यादा बैलेंस्ड हो गए हैं, अब उस तरीके से क्रेव नहीं कर रहे इस पर्सन की, तो वो चीज भी कहीं ना कहीं हर्ट हो रही है, ठीक है। यही जो लेसन है मेन, ये पर्सन आपको शायद देने के लिए आए थे, आपको बैलेंस करने के लिए आए थे, और आप में से काफी सारे लोगों ने वो एनर्जी सीख ली है, मतलब बैलेंस करना सीख लिया है। तो अब इस पर्सन को प्रॉब्लम हो रही है, अब ये बेसिकली उस चीज को फील कर पा रहे हैं जो 4 महीने 6 महीने पहले तक आप फील कर रहे थे। ये पर्सन कहीं ना कहीं भाग जाना चाहते हैं, ऐसी भी एनर्जी है, ठीक है। इस वक्त में आपके पर्सन जिन भी लोगों के बीच में है वहां रहना नहीं चाहते, ठीक है, वहां से दूर जाना चाहते हैं, कुछ समय अकेले ये पर्सन बिताना चाहते हैं। आज के दिन में ये यही सोच रहे थे कि इनको लोगों के बीच में नहीं रहना है, ठीक है, इनको कुछ समय के लिए अकेला रहना है, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है गाइस कि आप इस पर्सन के लिए बहुत ही ज्यादा खूबसूरत इंसान हो, ठीक है, और स्पेशली आपके पर्सन आपको बहुत ज्यादा खूबसूरत मानते हैं। आपका बॉडी बहुत अच्छी हो सकती है, आपके बाल, आपकी आंखें बहुत सुंदर हो सकती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन की, जैसे वो कहते हैं ना कि कुछ लोग आपके दिल में ऐसे छपे हुए होते हैं कि आप 24/7 उनके बारे में सोचते हो, वही चेहरा आपकी आंखों के सामने घूमता रहता है, ठीक है, जो बिल्कुल ऐसी एनर्जीज में लोग होते हैं कि उसको दूसरा इंसान दिख ही नहीं रहा, उसको उसके आंखों के सामने एक ही चेहरा झूमता है बार बार, वही आपके पर्सन की इस वक्त में एनर्जी है, ठीक है ना। आप अपने पर्सन की आंखों के सामने ऐसे ही झूम रहे हो। अगर गाइस आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी में भी हैं, ठीक है, और मतलब ये गए थे उस कनेक्शन में, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन का जो पूरा ध्यान है वहां से हट गया है, ठीक है। ये पर्सन वहां पर मुझे 1% भी इंटरेस्टेड नजर नहीं आ रहे, ठीक है। अब मैं ये नहीं कहूंगी थर्ड पार्टी कोई थर्ड पर्सन ही यहाँ पर, क्योंकि ये चीज मुझे क्लियर नहीं हो रही यहाँ पर रीडिंग में, लेकिन मैं ये चीज बोलना चाहूंगी कि वहां इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि पूरी एनर्जीज तो आपके ऊपर लगी हुई है गाइज आपके पर्सन की। 3 लोग हैं तो यहाँ पे, लेकिन सिर्फ 2 लोग हैं जो आपस में एक दूसरे को बहुत तेजी से देख रहे हैं और तीसरा इग्नोर फील कर रहा है। तो अब ये तीसरा कौन है जो इग्नोर फील कर रहा है? हम आपके लिए रीडिंग कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप और आपके पर्सन है जो एक दूसरे को देख रहे हैं, एक दूसरे को एनर्जी सेंड कर रहे हैं, एक दूसरे को अपने पास बुला रहे हैं। तो तीसरा जो भी है, ये एक तो वैसे ही आप दोनों से ही उम्र में छोटा है और ये इग्नोर फील कर रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है गाइस।
और यहां पर मैं ये भी देख पा रही हूं कि आपके कनेक्शन को एंजल्स भी कहीं ना कहीं ब्लेस कर रहे हैं, ठीक है, तो ये भी है यहां पे। यहां पर जो लेटर आया है वो यू है, एन है, ठीक है, डब्ल्यू है, वी है, ए है, ये पर्सन गाइस कहीं ना कहीं आज के दिन में ऐसा भी सोच रहे थे कि उड़ के आ जाए आपके पास, ठीक है, ये मैसेज भी आ रहा है, ठीक है, ये पर्सन ऐसा भी सोच रहे थे कि उड़ के आ जाए आपके पास, ठीक है, मतलब जैसे वो कहते हैं ना कि इंतजार ना हो पाना, ये मुझे सुबह की रीडिंग में भी निकल कर आया है कि पर्सन वेट नहीं कर पा रहे हैं आपका। कल की कैंडल वैक्स में भी निकल कर आया था, अगर आपने नहीं देखा है, ठीक है, कि पर्सन को अब वेट करना पड़ रहा है, अब यूनिवर्स ने इन्हें कहीं ना कहीं वेटिंग एनर्जी में डाल दिया है। तो जब से इन्हें ये चीजें मालूम हुई है, इन्हें कनेक्शन मालूम हुआ है, इस पर्सन का भी कहीं ना कहीं ईगो मेल्ट हुआ है, पिघला है, तो इनसे अब सब्र नहीं हो रहा है, ठीक है, आपके पर्सन से बिल्कुल भी, मतलब मैं देख पा रही हूँ कि वेट नहीं हो रहा है। भागे भी तो क्या भागे सनम, तुम्हें हार के खुद को हार गए हम। वाह वाह वाह, ये तो शायरी बन गई। भागे भी तो क्या भागे हम, क्या क्या बोला था मैंने, मैं भूल गई। वो तो एक बार फ्लो में निकल गया जो भी था। यहाँ पर वाई लेटर है, गाइस यहाँ पर मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी, जिस तरीके से आपके कनेक्शन धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं, अगर गाइस आप अभी बहुत नाराज हो या फिर आपको कोई भी डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो मैंने हमेशा बोला है गाइस आप में से काफी सारे लोग को, आप होपोनोपोनो प्रेयर एक बार जरूर से जरूर ट्राई करें। उससे क्या होगा गाइस, आप हील होंगे और हील होने के बाद एक आप सही डिसीजन बना पाएंगे। अभी क्या है, आप में से काफी सारे लोग गुस्से में हैं, या फिर कुछ लोग जेलेसी में हैं, या फिर कुछ लोग हेट में हैं। अगर इस तरह की एनर्जीज में आप कोई डिसीजन बना रहे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप एक बार हील करें खुद को, उसके बाद कोई डिसीजन लें, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहती गाइस कि कोई दो लोग हैं और उनका कनेक्शन बहुत अच्छा है और बेवकूफियों में वो कनेक्शन खराब हो, ठीक है, आप दोनों मिलकर लव की वाइब्रेशन को बहुत रेज कर सकते हो। तो सबसे नहीं मैं ये चीज कह सकती अलग अलग, क्योंकि सबके कनेक्शन अलग अलग होते हैं, लेकिन अगर आप वास्तव में एक अच्छे और ट्रू कनेक्शन में है, तो मैं एक बार बोलूंगी कि आप खुद को हील करें, आप एक बार होपोनोपोनो प्रेयर जरूर ट्राई करें, ठीक है, दिन में 2 बार, और कुछ दिन में आपको महीने भर में रिजल्ट मिलेंगे, और उसके बाद आप हील हो जाएंगे कुछ हद तक, और उसके बाद आपको क्लैरिटी मिलने लगेगी और आप एक सही डिसीजन बना पाएंगे, ठीक है ना। ये भी मुझे मैसेज चैनल हो रहा है, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों आपके कनेक्शन में एंजल्स की ब्लेसिंग्स नजर आती हैं डियर, ठीक है ना। कुछ कनेक्शंस को एंजल्स खुद ब्लेस करते हैं, वो खुद आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आपके लव को प्रोटेक्ट करते हैं, और यहाँ पर वही एनर्जी फील हो रही है। मुझे लगता है कि एंजल्स के तरफ से गाइडेंस हो सकता है, ठीक है, कुछ लोगों के लिए कि वो अपने कनेक्शन को अगर अभी नहीं कोई चांस देना चाह रहे हैं, तो एक बार खुद को हील करें और फिर कोई डिसीजन बनाएं, क्योंकि एक बार आप हील हो जाएंगे ना, आपके इश्यूज हील हो जाएंगे, उसके बाद आप सही डिसीजन ले पाएंगे। अभी आप हो सकता है गुस्से में या जेलेसी में कोई डिसीजन ले रहे हो। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे एक सवाल का जवाब चाहते हैं, यहां पर मुझे ऐसा लगता है कि पर्सन एक सवाल का जवाब चाहते हैं कि अभी भी इनके मन में, मतलब इनके लिए आपके मन में वही फीलिंग्स हैं, ठीक है, ये पर्सन जवाब चाहते हैं इस क्वेश्चन का। तो आप में से जो लोग भी इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहते हैं, वो जवाब दे सकते हैं हाँ में ना में, जैसे भी देना चाहें आप इस रीडिंग में जवाब दे सकते हैं, हो सकता है आपके पर्सन तक पहुंच जाए,
ठीक है, कि क्या आप इस पर्सन को अभी भी चाहते हैं, मतलब सेम फीलिंग्स रखते हैं जैसे पहले रखते थे, या फिर कुछ बदलाव आ गया है, कुछ चेंज आ गया है, ये पर्सन ऐसा सवाल आपसे जानना चाहते हैं। बस कहीं ना कहीं इस पर्सन को इस क्वेश्चन से बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है इस वक्त में, तो ये सवाल आप लोगों के लिए है गाइस आज का। तो जो लोग भी जवाब देना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। ओके, अभी हम और देखने की कोशिश करते हैं कार्ड्स में क्या आता है। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स। ये आ रहा है थ्री ऑफ सोर्ड्स। किंग ऑफ वॉन्स, हर्मिट। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करेंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है। वाओ, ये है गाइस बॉटम से लवर्स की एनर्जी है। जजमेंट, व्हील ऑफ फॉर्चून। मैं आपसे क्या बोल रही थी, मैं आपसे जो बोल रही हूँ गाइस, मुझे यूनियन दिखाई दे रहा है, लीजिए। और टू ऑफ कप्स भी है बॉटम से। मैनिफेस्ट करिए गाइस इस रीडिंग को, ठीक है। और बिल्कुल ना, जैसे यू नो होता है ना कि अगर आप यू नो किसी पर्सन को चाहते हैं तो आप 100% ये बोलिए कि ये इंसान मेरा है और इसे यूनिवर्स ने मेरे लिए बनाया। अगर आप 100% श्योर हैं, आपके मन से वो चीज बात आती है। दो 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 चीजें होती हैं, एक होता है कि आप किसी इंसान के पीछे पड़े हुए हैं और वो आपको नहीं चाहता, और एक होता है कि जिसने आपको बहुत ज्यादा लव दिया और उसके बाद सडनली आप लोगों के कनेक्शन में प्रॉब्लम आई और वो भाग रहा है, या फिर कुछ ऐसा हो रहा है, ठीक है, या फैमिली बीच में आ रही है, तो वो चीज होती है कुछ इश्यूज, ठीक है। और अगर उस इंसान ने आपको स्टार्टिंग से ही डे वन से इग्नोर किया है और मतलब एक कनेक्शन के नाम तो कुछ भी नहीं था, तो फिर मैं नहीं कहूंगी, लेकिन आपने कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में लव को फील किया है उस पर्सन की तरफ से, उसकी केयर को फील किया है अगर, तो आप ये बोलिए कि वो इंसान सिर्फ और सिर्फ आपका है और आपका कनेक्शन ठीक हो रहा है। इस तरीके से आपको यू नो अपने आप को अफर्म करने की जरूरत है, और आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहने की जरूरत है कनेक्शन में। डाउट्स क्रिएट मत कीजिए, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड्स है एंड किंग ऑफ वैंड्स है। एक तो ये यहाँ पर कपल आया है गाइस, ठीक है, एक तो यहाँ पर कपल आया है और पैशनेट है और एक दूसरे को देख भी रहा है, ठीक है। तो ये कनेक्शन एक दूसरे को देख भी रहा है और पैशनेट है एक दूसरे की तरफ, ठीक है ना। इसके अलावा आप अगर यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो किंग ऑफ वैंड्स का जो इस वक्त में ध्यान है वो थ्री ऑफ सोर्ड्स पे है। अगर आप इन दोनों कार्ड्स को ध्यान से देखेंगे ना, तो किंग ऑफ वैंड्स का जो ध्यान है वो थ्री ऑफ सोर्ड्स पे है, मतलब इस पर्सन का जो दिल है वो टूटा हुआ है, और कहीं ना कहीं ये पर्सन ये भी सोच पा रहे हैं कि इन्होंने आपका, क्योंकि थ्री ऑफ सोर्ड्स के नीचे क्वीन ऑफ वैंड्स है, तो ये पर्सन ये भी सोच पा रहे कि इनको इन्होंने आपका दिल बहुत बुरी तरीके से तोड़ा था, इस वजह से इनका दिल टूटा हुआ है, ऐसा ये पर्सन आज के दिन में सोच रहे थे। यहाँ भी टू ऑफ कप्स है गाइस, ठीक है, ये पर्सन इस प्यार में पूरी तरीके से खोए हुए हैं। लवर्स एंड टू ऑफ कप्स, ये पर्सन इस कनेक्शन में पूरी तरीके से खोए हुए हैं अब, ठीक है ना। मैंने आपसे बोला कि इस पर्सन को पता चल गया है, अवेकनिंग हुई है इस पर्सन की, हर्मिट कार्ड निकल कर आया है, इस पर्सन को की अवेकनिंग हुई है। यूनिवर्स अवेकनिंग क्यों करते हैं, यूनिवर्स अवेकनिंग इसीलिए करते हैं ताकि आपको ये रियलाइज हो कि आप जिसके साथ डील कर रहे हैं एक्चुअली में वो पर्सन क्या है, क्योंकि हमारा ईगो माइंड 3D में जज करता है, ये अच्छा है ये बुरा है, ये ऐसा है ये वैसा है, इसने ये किया था उसने वो किया, इसने दिल तोड़ा था, इसने धोखा दिया था, ये वहां चला गया था, ये वहां चली गई थी। लेकिन एक्चुअल सोल कनेक्शन आपको उस व्यक्ति के साथ क्या है, क्योंकि आप बॉन्ड तो फील कर रहे हैं, आपको लव तो फील हो रहा है, लेकिन आपको लग रहा है कि यार ये इंसान की हरकतें सही नहीं है, प्यार तो है लेकिन इंसान की हरकतें सही नहीं, वो क्या है, 3D में कुछ चीजें आपको रिफ्लेक्ट होती है, क्योंकि वो आप ही के वुंड्स होते हैं, ठीक है, वो आप ही के कार्मिक ट्रिगर्स होते हैं जो वो पर्सन आपके लिए कर रहा होता है, आपके सामने कर रहा होता है। तो हम क्या करते हैं, हमारे ईगो माइंड जज करता है और फिर उसे गुस्सा आता है और उसे अपने हिसाब से काम करना है, उसे अपनी चलानी है, ठीक है। इसीलिए यूनिवर्स क्या करते हैं, इस कनेक्शन में जो भी आपके स्पिरिचुअल कनेक्शन होते हैं इनमें अवेकनिंग होती है। अवेकनिंग के बाद आपको सबसे पहले तो कर्मा समझ में आता है, सोल कॉन्ट्रैक्ट समझ में आते हैं, आपको ट्रिगर्स समझ में आते हैं, और जब आप इन सारी चीजों को समझकर अपने आप को हील करते हैं तब आप देखते हैं कि आपको प्योर लव दिखाई दे रहा है, आपको डिवाइन लव फील हो रहा है, आपको प्योरिटी दिखाई दे रही है, ठीक है। मैं अपनी रीडिंग में आपको बहुत सारी चीजें क्लियर करती हूँ डियर, जो भी आपके माइंड में सवाल चलते हैं।
यहाँ पर ये यूनिवर्स का इशारा समझ पा रहे हैं, क्योंकि अवेकनिंग हुई है ना, तो ये अगर पहले बहुत जज कर रहे थे आपको, ठीक है, या आप इस पर्सन को, तो आपकी अवेकनिंग भी हुई है, इस पर्सन की भी अवेकनिंग हुई है, तो आप लोग अब एक दूसरे को जज करना बंद कर रहे हो यहाँ पर, ये ऐसा है, ये वैसा है, ठीक है, इसकी ये हरकत खराब है, आपकी ये हरकत खराब है, एक तो ये यहाँ पर बंद हो रहा है। दूसरा, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो आपके पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं आपके लव ऑफर को भी लगातार ठुकरा रहे थे, इसको भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, आपको कंटिन्यूस इस पर्सन ने इग्नोर करके रखा था। तो यहाँ पर अब ये पर्सन खुद वो समय को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है, ये इसीलिए आया है क्योंकि जब से इस पर्सन की अवेकनिंग हुई है, इस पर्सन को वेट नहीं हो रहा है, इस पर्सन को इंतजार नहीं हो रहा है, ठीक है, और इनको वो समय याद आ रहा है जब इन्होंने आपको इग्नोर कर दिया था, आपको रिजेक्ट मार दिया था, ठीक है। अब इन्होंने जब रिजेक्ट मारा था तब ये अवेकन नहीं थे, तब तो ये दिमाग से चल रहे थे ना, लेकिन आफ्टर अवेकनिंग इस पर्सन को रियलाइज हुआ कि मेरे पास में तो हीरा था और मैंने इसको फेंक दिया, ठीक है। वही वाली बात कि इंसान को कभी राह चलते एक हीरा मिल गया और उसने सोचा अरे यहाँ पर हीरा कैसे आया, कोई मोती होगा, और उस इंसान ने फेंक दिया, और कोई बाद में जाकर उसको बताया कि वो मोती नहीं सच में हीरा था, तो वो इंसान कितना पछताएगा। बिल्कुल वैसी ही आपके पर्सन की एनर्जीज हैं, ठीक है, क्योंकि ये कनेक्शन है, ये फीलिंग्स हैं, ये जो एनर्जी है वो किसी और में तो इस पर्सन को मिलने वाली नहीं है, पूरी धरती पे नहीं मिलने वाली किसी और में, ठीक है ना। अगर ये ट्रू लव है तो, ठीक है ना, कहते हैं ना कि सच्चा प्यार एक ही बार होता है, आपने कई बार ही लोगों को, शायरों को कहते हुए सुना होगा, वो बेसिकली कुछ नहीं, उनका सोल कनेक्शन होता है, जो एनर्जी उनको किसी और में फील नहीं होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर यही चीज नजर आ रही है, तो अब इस पर्सन को इंतजार नहीं हो रहा है, अब ये पर्सन डिवाइन से चाह रहे हैं डिवाइन जजमेंट और डिवाइन टाइमिंग, ठीक है ना। और ये आप सुबह वाली रीडिंग भी देख सकते हैं, उसमें ये रीडिंग में आया हुआ है कि आपका स्पिरिचुअल यूनियन होगा ही होगा, ठीक है, उस रीडिंग को भी चाहे तो आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप बस अपने आप को हील कीजिए क्योंकि आपकी हीलिंग यहाँ पर मस्ट है, ठीक है। अभी हम कुछ लेटर्स देखते हैं। यहाँ पर है जेड लेटर, यहाँ पर है डी लेटर, यहाँ पर है ओ लेटर, यहाँ पर है यू लेटर, यहाँ पर है सेवन नंबर, यहाँ पर है वन नंबर, यहाँ पर है एस लेटर, सी लेटर, एक्स लेटर, एल लेटर, ठीक है, ये यहां पर नजर आ रहा है। वी आर स्ट्रांगली कनेक्टेड इन 5D, मैं क्या कह रही है, पर्सन के साथ आपका सोल कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, वी आर स्ट्रांगली कनेक्टेड इन 5D। जब से मैंने प्यार को जाना है तब से मैंने सिर्फ तुम्हें ही अपना माना है। आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ टू बी अ बेटर पर्सन फॉर यू, ये पर्सन अपने आप को बेटर बना रहे हैं आपके लिए। हम एक थे, हम एक हैं और हम एक ही रहेंगे, ठीक है, ये मैसेज आ रहे हैं। ऑल आई नीड फॉर अ परफेक्ट डे इज योर स्माइल, इस पर्सन के लिए सिर्फ और सिर्फ आपकी स्माइल बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे दिन में, ठीक है ना। सो डियर, ये है आपकी रीडिंग, आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो गाइज प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइज।